सो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, 8:30 हो रहा है और आज आराध्य का स्कूल ओपन हो गया है। तो मोस्टली 7:30 को ही बस आनी थी, बट बस का अभी कुछ मिला नहीं है नंबर वगैरह, तो वो जाके हमें पता करना है। और अगर एक्सेप्ट हुआ तो आराध्य को हम वहीं पे छोड़ के आएंगे कि वो क्लास करेगा, क्या टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि फर्स्ट डे है। और मतलब एक तरह से बच्चे फिर से स्टार्ट करें स्कूल जाना तो थोड़ा सा टफ तो है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी जाके देखती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट बस पे भी छोड़ना वो पॉसिबल नहीं था और बस का नंबर भी नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हम कर पाए, ऐसा हुआ था। तो आज फर्स्ट डे आराध्य यहाँ पे बैठा है, बनाना खा रहा है, आराध्य रेडी नहीं जाएगा, आराध्य मिला है। कहाँ रखोगे? वहाँ रखना है। आराध्य अपना फटाफट सारा सामान सेट कर रहा है, क्योंकि आराध्य को डर है कि आराध्य का सामान क्या हो जाएगा, इसलिए आप रख रहे हो। चलो चश्मा पहनो, माता रानी को देखो। चलो माता रानी को देखो। ओम भूर्भुवस्सु सुना दूं? ठीक है। ओम भूर्भुवस्सु तत्कुरीपूर्वरेड्यं लेट हो गया है ना, वेरी जो भी हुआ हो लेकिन देख के आएंगे ना। बोलो आने को। पापा आओ ना। सेकेंड से जो होगा ना थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। चलो सूच पहनो। नहीं नहीं वो अरे वो पहन के थोड़ी स्कूल अलाउ होता है जाना। ये वाला सैनिटाइजर को दिए नहीं, लेना पड़ेगा उधर दुकान साइड से जाके, लेट तो वही गया है। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मैं आती हूँ बाबू के स्कूल से, फ़ोन करने वाली थी लेकिन तुम्हारा नंबर हमको था नहीं, वो सेव नहीं हो पाया है। मैं आके फ़ोन करती हूँ। अब मुझे पता नहीं है, मैं स्कूल से आके फिर फ़ोन करती हूँ। हाँ मुझे लेट हो रहा है, लेकिन फ़ोन तुमको कैसे करूँगी, फ़ोन नंबर तो है नहीं तुम्हारा। नहीं स्कूल जाने में, बस से जाओगे तो और मजा आएगा।
शायद अभी बच्चे निकलने वाले हैं, कुछ करंट लेने आए हैं, तो देखते हैं अभी राधिका क्या ऐसा होता है। तो अभी आराधिका स्कूल हम खड़े हैं बाहर, आराधिका अंदर चला गया क्लास में और बहुत जब गया ऊपर तो रो रहा था, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि मम्मी पापा जाएंगे और उसको नहीं था कि मैं, मतलब होता है ना पहले दिन डर जैसा, तो वो लग रहा था, बोल भी रहा था मम्मा फर्स्ट डे मुझे डर लग रहा है। चला गया है और यहाँ थोड़ा सा लंबा भी हो गया है कुछ स्कूल बस को लेके, तो हम लोग इसलिए वेट कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि सडनली बच्चे को छोड़ के अकेले और ऐसे कोई नहीं जा सकता है, तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और सर्टिफाइड होंगे तभी जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ऑलमोस्ट 2:30 बजे आराधी का क्लास छूटेगा, अभी 9:30 हो रहे हैं, 2:30 बजे क्लास उसका ओवर होगा, तो देखते हैं कैसे मैनेज होता है, क्योंकि स्कूल बस को हमने कर दिया है, स्कूल बस ड्रॉप करेगा, बट अभी फर्स्ट डे है उसका यहाँ पे, क्योंकि इसे छोटा था तो स्कूल बस से नहीं जाता था, हम लोग उसको छोड़ने जाते थे, उसे लेने जाते थे, तो फर्स्ट डे है स्कूल बस से, तो मैं सोचती हूँ कि एक बार मतलब सर्टिफाइड हो जाए कि हाँ स्कूल बस में कैसे बैठना है क्या है ये सब देखने के लिए, मैं सोचती हूँ उसको भेज दूँगी 2 बजे, तो 2:30 बजे तक यहाँ आके एक बार देख लेंगी और मैं वहाँ पर खड़ी रहूँगी उसको पिक करने के लिए, ऐसा मैंने सोचा है, क्योंकि प्लान आउट तो करना पड़ता है ना, बच्चा छोटा है और पहले एक तो बड़े स्कूल में पहली बार वो निकला है बड़े जगह पे, और इससे पहले छोटे स्कूल में मतलब 2 साल तो बच्चों का गैप हो गया है, तो ऐसे सडनली छोड़ देना बहुत अजीब है, क्योंकि 2 साल मतलब कि छोटे बच्चों का तो एक तरह से स्टार्ट हुआ है। आराधे कहीं से पहले प्ले ग्रुप में जाता था, प्ले स्कूल में तो ठीक है वहाँ पास में था, और स्कूल थोड़ा छोटा था, अभी बड़े स्कूल में आया है, यहाँ टीचर्स को जानता है ऑनलाइन क्लास से, बट फिर भी एटमॉस्फेयर तो नया ही है, ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में बहुत अंतर होता है, तो सब कुछ वो देख रहा है, तो डरा हुआ है, तो देखते हैं, मैंने जितना मुझे लगा मैंने उसको समझा दिया है कि ऐसे करना सब कुछ, तो हम घबराते हैं, हमारे जब हम बड़े जाते हैं तो वो डरते हैं, तो बच्चा ही है, तो देखते हैं क्या होता है, और भी कुछ काम है तो यहाँ से करके इसके बाद हम निकलेंगे, और घर पे भी पता नहीं मेड के आने का भी टाइम हो गया था, सब कुछ आज मतलब डिस्टर्ब तो चल रहा है, फिर भी क्या है, फर्स्ट डे है बच्चे का, स्कूल का तो होता है सब दिन एक जैसा नहीं रहता है, सिंगिंग तो चलती रहती है, तो अभी जैसे गेट के बाहर खड़े हैं, ठीक है, अकेले छोड़ना बहुत बुरा लग रहा है, आराज इमोशनल भी है, बीर बनता है बस घर पे, बाहर तो डर जाता है, तो ये सब भी है, पता नहीं क्लास में कैसे होगा, कैसा नंबर मिलता है ना कुछ मिलता है, तो देखते हैं कैसे हो पाता है, चलिए फिर थोड़ी देर में हम आराध को स्कूल छोड़ के वो स्कूल के अंदर चला गया था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और मैं अभी कर रही हूँ अपनी पूजा, तो आज साफ सफाई भी बहुत लेट स्टार्ट हुआ, 12:00 हो गया है, लेट हो गया स्कूल, बहुत लेट हो गया, और अभी झाड़ू पोछा हो रहा है, तो बाहर मुझे आज लेट हो गया सब काम, तो यहाँ पे रेखा साफ सफाई कर रही हैं, यहाँ अलका खाना बना रही हैं, यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, हो गया अलका, हाँ मैं इधर ही हूँ, बोलो, हाँ बोलो, इधर बाबू की सब्जी है, हाँ इसमें मोड़ के रोटी रखा है, और इधर सूखा कपड़ा से पोछो, हाँ पोछते रुको, हाँ गंदा है ज्यादा, हाँ इसके नीचे आपकी रोटी है, ढक के रखा है, इसका वो आलू है, अच्छा इसमें ऊपर में रोटी है बाबू, क्या और सब्जी नीचे में, और चावल चढ़ा, हाँ
क्या बोल रही है रेखा? रेखा बोल रही है उधर का काम को लेट हो गया था, इधर आई थी दीदी के घर, फिर इधर से। अच्छा हाँ, तो तुम्हारा नंबर ही नहीं तो दीदी क्या करे? इससे नंबर लेंगे। ए शाम को नंबर दे देना, अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, ठीक है? तुम्हारे मोबाइल में, इसके मोबाइल में मुझे कुछ करने नहीं आता है। मेरा भी ऐसा है छोटा। हाँ, तो मुझे आता नहीं है। मैंने कल लिया था कि इसका नंबर ले लूँ, लेकिन मुझे नहीं आया करना। बाहर साफ हो गया है तो मैं बाहर भी पूजा कर लूँ, फिर अंदर तब तक पोछा लग जाएगा, और अंदर पोछा भी लग रहा है, पोछा लग जाएगा फिर अंदर भी कर लेंगे। अभी आराध्य आ गया है स्कूल से, अभी एकदम थका हुआ है, 4 o'clock हो गए हैं, बहुत लंबा, बहुत देर हो गया आज। और अकॉर्डिंग टू मौसी कि अभी 3-4 दिन ऐसे ही लेट होगा, क्योंकि स्कूल बहुत दिन बाद ओपन हुआ है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और आज थक गए बेबी, थक गए आप? राजा बच्चा मेरा प्यारा बेबी, बहुत तो नहीं रोई रोई नहीं किया ना स्कूल में आप? यही बहुत नहीं किया, इस देर तक रोई रोई किया। फिर स्ट्रॉन्ग बन गया मेरा बेबी। और फिर जब मैं अपने दोस्तों को देखा तो मैं सरप्राइज हो गया। सब आपको पहचाने? हाँ, हाँ। अच्छा, और बेटी तो मिली कि नहीं? नहीं नहीं, कोई मिला, लेकिन वो सब बोले हेलो कुसागरा, हेलो कुसागरा। अरे वाह, देखा अच्छा लगा ना। आपको नाम पता चला? वो मैंने वो देखा था, उसका नाम क्या वो है, वो आपके बाद गया था, देखिए नीचे नीचे नीचे, अरे क्या था उसका नाम, वो बाद में गया था आपके बाद, कौन सा फ्रेंड गया था? मैंने देखा था, मेरे बगल में बैठा था। हाँ, बाद में आप ही गया था। तो कौन कौन फ्रेंड थे? हेलो कुशाग्र, हेलो कुशाग्र बोले। हाँ, और मैंने भी हेलो। वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा। टीचर को गुड मॉर्निंग बोला आपने? हाँ, नीचे वाले टीचर को भी। अच्छा, और ना स्कूल में इनके बस में ना हाथ बाहर नहीं निकालना? ना ना, मैंने निकाला ही नहीं। वेरी गुड, अरे वाह, मम्मी पापा तो ढाल तो मैं डरते हैं इतना। और पता नहीं कब कैसे टीचर ने क्या पढ़ाई हुई पहले ही दिन। और भी टीचर मिली नहीं आई थी? हम लोग नीचे वो रेस करने जा रहे थे, और भी टीचर मिली थी। अब हेलो किया और भी टीचर को? ना ना, हेलो नहीं किया, हाई फाई किया। हाई फाई किया? अरे वाह, क्योंकि उर्वी टीचर सबको हाई फाई कर रही थी, इसके लिए मैंने भी हाई फाई कर दी। अरे वाह, मजा तो बहुत आया आपको। हाँ हाँ, और बताऊँ बोले उर्वस और एक गर्ल ने जीता। उर्वस तो जीत गए, उसके बाद मैं करना भी दे सकने के लिए। अच्छा अच्छा, फिर मैंने तो इतना तेज दौड़ा कि जो था ना उर्वस, वो तो पंगा गया, सोचा कि ये तो जीत जाएगा। अरे वो, और जब मैं आ रहा तब तो उर्वस आगे भर गया और मैं पीछे रह गया, लेकिन मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी थोड़ी सी। अच्छा, इसके लिए मैं उर्वस से आगे भर गया। तो गाइस, बेबी पूरा अपना स्टोरी बता रहा है स्कूल का। हाँ, और उसके बाद माही और उर्वस और मेरी टंटी। अच्छा। माही तो आगे बढ़ गई, वो तो फर्स्ट हो गई, लेकिन बस उर्वस और मैं बच जाता। मैं जीत गया, और जैसे ही उर्वस आए मैंने माई को एक सीक्रेट बताया, जैसे ही उर्वस पूछा माई और हम तोड़ लगा दिए। अरे वाह, और आराध्य को ये मिला है, टीचर ने दिया है, वाव लवली बॉय।
टीचर का नेम पता चला? आपकी टीचर का नेम पता चला? थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिया था प्लस माइनस आपको तो कर लिए होंगे। हाँ, जैसे ही टीचर पूछी 4 + 4 एक सेकंड भी नहीं रुका, बोल दिया 8। टीचर ने क्या बोला फिर? क्या फिर टीचर ने मुझको स्टार दे दिया, लेकिन वो स्टार कहीं छूट गया। झूठी तो नहीं बोले आप? ना, टीचर ने स्टार दिया था। झूठी नहीं बोलना चाहिए। ना, झूठी नहीं बोला हूँ बस। अच्छा, चलो सबको बाय कर दो। बाय बाय फ्रेंड। आवाज, आपको फोटो खींचना फर्स्ट डे स्कूल का वहाँ पे बाहर कहीं।